हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन टीईटी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बिहार सातवां चरण शिक्षक बहाली नई नियमावली में संशोधन होगी के संबंध में। गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके बाद की सूचना के विषय में, उससे पहले जो इस चैनल में नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार सातवें चरण शिक्षक बहाली नई नियमावली से संबंधित कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं आंदोलन के बाद के इस सूचना के विषय में। नई शिक्षक नियमावली के विरुद्ध में प्रदर्शन। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ द्वारा नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध में रविवार को गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने घेरा डालो डेरा डालो नाम से प्रदर्शन में नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा कार्यकारी अध्यक्ष नितेश पांडे ने किया। सभी अभ्यर्थी नई नियमावली वापस लो का नारा लगा रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ 25 को प्रखंडों में देगा धारणा। बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के विरुद्ध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रखंड स्तर पर धरना दिया जाएगा। इसका फैसला संघ की एक बैठक में रविवार को लिया गया है। संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने कहा कि इस नियमावली में राज्य में स्थानीय निकाय, पंचायत, प्रखंड निकाय, नगर निकाय आदि द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा न देकर स्थानीय निकाय के अंतर्गत ही छोड़ दिया गया है। सरकार इस नियमावली में संशोधन करे, नहीं तो संघ के द्वारा 25 अप्रैल को सभी प्रखंडों में काला बिल्ला लगाकर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर संघ के वरीय उपाध्यक्ष नूनी मनीषी, राम अवतार पांडे, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, उप महासचिव दिनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट करके बता देना चाहती हूँ कि कल रविवार यानी 16 अप्रैल को नव नियुक्त शिक्षक जो बहाल होंगे सातवें चरण के लिए, उन्होंने गर्दनी बाग धरना स्थल में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और आने वाले 25 अप्रैल को प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा प्रखंडों में धरना दिया जाएगा उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। ये गर्दनी बाग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे नियुक्ति पत्र पहले फिर प्रवेश पत्र का यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आज की पेपर की खबर है। लगातार जो है नियमावली आने के पश्चात से प्रदर्शनकारी जो है अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा किया ही जा रहा है। सरकार एक तो तीन अटेम्प्ट, इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि तीन ही बार परीक्षा देने का यहाँ पे सरकार मौका दे रही है अभ्यर्थियों को। कुछ लोगों में इस बात का आक्रोश है तो कुछ लोगों में राज्य कर्मी के दर्जा को लेके आक्रोश है। तो कुछ लोगों में ये कहना है कि सरकार अगर बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती थी तो पहले ही इन्फॉर्म बच्चों को क्यों नहीं की। जब बहाली का टाइम इतना निकट आ गया है तो सरकार क्यों बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कह रही है। जब छठे चरण के एग्ज़ाम लिया बहाली करवाई गई उसके पश्चात ही सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए कि सातवें चरण के लिए बच्चों को एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित उनकी बहाली होगी, एग्ज़ाम देना होगा और सिलेबस भी पहले ही बता देना चाहिए था। किंतु सरकार ये सब चीज़ों में अगर संशोधन नहीं कर रही है तो लगातार प्रदर्शन होता जा रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।